हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस में मैंने स्टोन चैन और राउंड और टीयर शेप के पल का यूज़ किया है। इस ड्रेस को पीछे से एक कोने से दूसरे कोने तक तो ये हमारी 8 इंच की रहती है, और जो हमारा ये आपस में इधर थोड़ा सा ऐसे कर्व शेप में आ जाता है, ये हमारा 6 इंच का ही रहता है, क्योंकि हम राउंड शेप में से इस तरह से कर्व शेप में से हम कट कर लेते हैं, जिससे हमारी इस तरह की ये डिज़ाइन बन जाती है। इसे बनाना शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम राउंड में एक बुकरम का पीस काटते हैं। ये पीस मैंने 8 इंच का राउंड में काटा है। सेंटर में मैं इसे 1.5 इंच का काटती हूँ, जहाँ पे हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। ये मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, जो प्रेस की हेल्प से हम अपने कपड़े पे पेस्ट करते हैं। पीछे की तरफ हम जो दूसरा सिंपल कपड़ा लगाते हैं, वो हम फेविकोल से पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे राउंड को हाफ़ कर लेते हैं। हाफ़ करने के बाद एक बार और हाफ़ कर लेते हैं, तो हमारे 4 पीस में बन जाता है। फिर इसे एक बार और हाफ़ कर लेते हैं, ये तो हमारे 8 पीस हो जाते हैं। सेंटर में जो हमारी लाइन है, वहाँ पे हम 1 इंच के ऊपर पेन से निशान लगाते हैं। 1 इंच पे पेन से निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद जो हमारे कॉर्नर वाला हिस्सा है, उससे हम इस तरह राउंड में लेते हुए इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपका एक साथ राउंड में नहीं आता है, तो आप इसे इस तरह 8 पीस में करके फिर इसे आप राउंड में भी हम कर सकते हैं। फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर हम कटिंग कर लेते हैं, तो हमारी इस शेप की ये ड्रेस बन जाती है। सेंटर में हम अपना ये वाला पीस भी हम कट कर लेते हैं, जो हमने 1.5 इंच का कट है। ये हमारी ड्रेस की ये डिज़ाइन बन गई। अब इस बुकरम के पीस के ऊपर हम इस तरह का ये रानी कलर का सनील का कपड़ा प्रेस से पेस्ट कर लेते हैं। पीछे की तरफ मैं एक सिंपल कपड़ा इस पर पेस्ट कर लेती हूँ। मैंने इस बुकरम के पीस के ऊपर पीछे की तरफ सिंपल कपड़ा, और आगे की तरफ मैंने इसके ऊपर ये रानी कलर का सनील का कपड़ा पेस्ट कर लिया है। इस तरह से हाफ करके, जिधर अपनी गोलाई की कटिंग होती है, उस कटिंग के ऊपर हाफ करके मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर ली है। सेंटर में 1.5 इंच के ऊपर ही मैंने इसका ये सेंटर का सर्कल काट लिया, जहाँ पर हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। जो इसके दोनों साइडों के जो किनारे हैं, इस किनारे के ऊपर हम ये रेड कलर का एक ये रिबन है, जिसे मैं इस तरह नीचे की तरफ लगा के नीचे लगाती हूँ, ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे सिलाई मशीन से लगा लेते हैं, जिससे दोनों में शिकोर हो जाते हैं। इस तरह हमारा ये बन जाता है। ये रिबन आप सादा साटन का रिबन भी ले सकते हैं, या इस तरह के रिबन को हम ऑर्गेंजा रिबन बोलते हैं, इसे भी हम इसे लगा सकते हैं। तो हम ये सादा साटन का रिबन ले सकते हैं, या टिश्यू रिबन भी ले सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह यहाँ पे सिलाई मशीन से सिलाई कर लाती हूँ। इसमें दोनों तरफ इसमें ये रिबन सिलाई मशीन से लगा लिए। अब इसके चारों तरफ हम एक स्टोन चेन की रोल लगाते हैं। इसके लिए मैं फेविकोल का यूज़ करती हूँ। अगर आप फेविकोल का यूज़ ना करना चाहें, तो ये बॉन्ड ग्रिप और आती है कि चिपकाने की है, इसको फेविक्विक भी बोलते हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेविकोल का यूज़ करती हूँ। जहाँ से हमारा ओपन हिस्सा रहता है, जहाँ से हमारा ये खुला वाला हिस्सा है, यहाँ से हम स्टोन चेन लगाना शुरू करते हैं।
इस तरह रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने स्टोन चैन की ये रो कंप्लीट कर ली है। अब स्टोन चैन के बाद हम इसमें राउंड कलर के हाफ पर्ल लगाते हैं। इस तरह के हम इस शेप के हाफ पर्ल मोती लेते हैं। अब इसके बाद हम ये पूरी रो लगा लेते हैं। ये पर्ल की रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। वापस से हमें स्टोन चैन की एक रो और कंप्लीट करते हैं। इसमें ये सेकंड रो भी हमने स्टोन चैन की कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे हम इस तरह के राउंड कलर के स्टोन लगाते हैं। इस तरह लगाते हुए हमें इसे रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये राउंड स्टोन की रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये रो स्टोन की रो कंप्लीट करने के बाद वापस से हम पर्ल के एक रो लगाते हैं। ये मैंने टीयर शेप के पर्ल लिए हैं, जिनके हम एक रो एक स्टोन के ऊपर एक पर्ल लगाते हैं। इस तरह कोने पर इस तरह एक बीच में पर लगा देते हैं। इस तरह हमारे कॉर्नर भी बन जाता है। इस तरह हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये पर्ल की रो भी कंप्लीट कर ली। पर्ल की रो कंप्लीट करने के बाद हम जो हमने ये पर्ल की रो से पहले हमने जो स्टोन लगाए थे बड़े साइज के, उसी वाइट कलर के उसी साइज के छोटे वाले स्टोन अब हम यहाँ पे कोनों पे एक एक रो में लगाते हैं। तो ये जो हमारा राउंड है जहाँ पे हम अपनी चोली लगाएंगे वह थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देते हैं और फिर हम यहाँ पे लगाते हैं। पहले एक कोनों पे लगाते हैं एक रो। इस तरह दोनों कोनों पे मैं एक एक रो लगा लेती हूँ। दोनों कोने की रो कंप्लीट करने के बाद हम इसके सेंटर में लगाते हैं एक रो। सेंटर में एक रो लगाने के बाद हम अब इन दोनों के साइडों में भी एक एक रो लगा देते हैं। इस समय कोनों की दोनों लाइनों के बीच में हमारी तीन रो हो जाती है। हम इन दोनों पे भी यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं इसे। दोनों कोने की लाइन लगाने के बाद सेंटर में हम तीन रो लगाते हैं। इस तरह तब ये पूरी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने सभी जगह स्टोन लगा के अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट होने के बाद हमारा घेरा कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे हमारा आगे से खुला हुआ हिस्सा होता है, वहाँ पे एक तरफ हम स्टोन लगा देते हैं। इस तरह हमारा ये घेरा कंप्लीट हो जाता है। हम अब चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने एक सीधी पट्टी ली है, जिसको पीछे की तरफ मैंने दूसरे कपड़े से पेस्ट कर दूसरा कपड़ा पीछे की तरफ पेस्ट कर लिया है और दोनों साइडों में मैंने ये रिबन से इसे सिलाई से सिक्योर कर लिया है। इस तरह हमारी ये चोली की पट्टी बन जाती है। ये चोली की पट्टी मैंने 1.25 इंच तो चौड़ाई में ली है मैंने इसे,
और इसे 8 इंच से मैंने लंबाई में लिया। उसे सेंटर में से 2 पीस हम कर लेते हैं। 2 पीस करने के बाद हम किनारे के ऊपर हम जो हमने अपनी चोली के अंदर बड़े वाले व्हाइट स्टोन लगाए थे वो लगाएंगे। इसके किनारे किनारे पे हम हम दोनों तरफ स्टोन लगा लेते हैं और सेंटर में जो हिस्सा बचता है उसके ऊपर हम राउंड वाले पर लगाएंगे। इस तरह हम अपनी दोनों पट्टियों को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने चोली की दोनों पट्टियां कंप्लीट कर ली हैं। एक चोली के ऊपर हम थोड़ी दूर पे स्टोन नहीं लगाते जहाँ से हम दोनों चोलियों को अटैच करते हैं। इसे अब हम ग्लू गन की हेल्प से अटैच करेंगे और इसे घेरे से भी चिपका लेते हैं। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप ये स्टोन का वर्क करने से पहले सिलाई मशीन से भी हम ये अपनी चोली को चिपका लेंगे या सिलने के बाद फिर हम अपना ये स्टोन वर्क कर लेते हैं। तो सिलाई मशीन से हम पहले चोली को सिल लेते हैं फिर स्टोन वर्क करते हैं और ग्लू गन होती है तो हम इसे ग्लू गन से लगा लेते हैं। पहले हम ये दोनों हिस्सों को जोड़ लेती हूँ। दोनों बाजू वाले हिस्से को हम चिपका भी सकते हैं या खुला भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा चिपका हमारी ये चोली कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें से घेरे से भी चिपका देते हैं। जो हमारा ये पीछे वाला आगे का जो खुला हिस्सा है तो हमारे घेरे से आगे के खुले हिस्से से चिपकाते हैं। पीछे के जो हमारा बीच का हिस्सा वहां से हम चिपकाना शुरू करते हैं। इस तरह हमारे चोली को घेरे से अटैच कर देते हैं। अभी हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। बनने के बाद मेरी ड्रेस कुछ इस तरह से बनती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।